टूथ डीके या टूथ कैविटीज वो समस्या है जो आज के इस आधुनिक वक्त में लगभग हर चौथे पांचवें आदमी को हो रही है। यह एक पीड़ादायक कंडीशन है, स्थिति है, क्योंकि इससे आपको तमाम दांतों के सर्जिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम प्रयास करेंगे आपको उन तकलीफ़ों से बचाने का इस वीडियो के में बताई गई होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से, लेकिन साथियों ये ज़रूर कहेंगे कि आप ब्रश करके अपने दांतों को हमेशा साफ रखें, कम शक्कर खाएं और शुगर्स को अपने दांतों में प्लेक के फॉर्म में जमा ना होने दें। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे दांतों की कैविटीज यानी टूथ डीके की। बहुत ही कॉमन समस्या है साथियों ये, और बहुत पेनफुल कंडीशन भी है। हम सब इससे परेशान रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कैविटीज़ को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ जो आपको रिलीफ देंगी, आपको पेन से आराम देंगी और आपको नॉर्मल कंडीशन में लाएंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि टूथ डीके वास्तव में होता क्या है या कैविटीज़ होती क्या है। टूथ डीके साथियों वह स्थिति होती है कि जब आपके बहुत ज़्यादा शुगर्स और प्लेक का डिपोजिशन आपके टीथ में होने लगता है, तो वक्त के साथ जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो शुगर्स होती है वो मिलके आपके टूथ में इनेमल का डिस्ट्रक्शन करके होल्स करने लगते हैं महीन महीन। यही कैविटीज़ होती हैं और इससे आपका टूथ डीके होता है। इसके सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स वाटर का सेंसेशन, पानी आपके दांतों में लगना, दांतों का कमज़ोर होना, दांतों का जो है वो एक परफोरेशन ऐसा आपको दिखना और इनेमल का लॉस होना, यह जो स्थितियाँ होती हैं वही इसके सिम्टम्स होते। गम्स में थोड़ी ब्लूनेस आना, इस तरह का जब डीके होता है तो इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं, स्वेलिंग आना, इन्फ्लेमेशन आना, यह सब दिक्कतें होती हैं। इसके कॉजेस की बात कर लेते हैं साथियों। टूथ डीके के कॉज होता है प्लेक। जब हम लोग रात में आलसी अपने स्वभाव के कारण या थकान के कारण रात में कुछ शक्कर का पी लेते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, मुँह गंदा रहता है, तो फिर आपके एक लेयर टीथ पर फॉर्म होती है प्लेक की। वक्त के साथ यह प्लेक ठीक होते जाते हैं और यह आपके टूथ के गम्स के इनेमल को अटैक करके इनेमल को टूथ के ख़त्म कर देते हैं और फिर आपका डीप परफोरेशन वायरस बैक्टीरिया का होने लगता है और वही उसके डीके की शुरुआत होती है। तो मैं यही बता दूं साथियों, सबसे ज़रूरी ये है कि पहला आप जीवन में शक्कर कम करें। वास्तव में शक्कर और नमक आप खाना कम करें। कहा जाता है कि आप ऐसे ही इतने मीठे हैं और शक्कर खा के क्या करेंगे, यू आर स्वीट ऑलरेडी, देन वाई टेक मोर शुगर। और अगर ले रहे हैं तो फिर उसके बाद ब्रश करें, प्लेक को ना फॉर्मेशन होने दें जिससे टूथ डीके होगा, फिर आप आरसीटीसी लेके समाम तमाम पेनफुल सर्जिकल प्रोसेस तक आपको जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले ही उसका निदान कर लें और वो है सिंपल टूथब्रश गुनगुने पानी के साथ। जी हाँ, ये एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि टूथपेस्ट के बाद कुल्ला गुनगुने पानी से करना चाहिए। तो ये तो हो गए इसके कारण। हम आपको बताते हैं इसको ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों ये बता दें, यह आपकी जानकारी के लिए प्रोग्राम है, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते साथियों सफर पे जिसपे आपको बताते हैं टूथ डीके या टूथ कैविटीज को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो टूथ डीके की होम्योपैथी में आती है वह है कैल्केरिया फ्लोरिका। आप कैल्केरिया फ्लोर 6x पावर में दो दो टैबलेट दिन में चार बार गुनगुने पानी से उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके दांत लूज हो गए गम से, इनेमल का लॉस हो गया है और आपको लग रहा है कि आपके दांत सड़ रहे हैं। तो कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है साथियों, यह आपके गम्स को, आपके टीथ को वापस रिगेन करेगी, बस शर्त है कि आप आगे से अपने टीथ की बेहतर केयर करने लगें। तो कैल्केरिया फ्लोर 6x आप एक बहुत अच्छी दवा है जो आप टूथ डीके, टूथ कैविटीज़ और गम के डीके में ले सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि आपका टूथ डीके हो रहा है, आपके कैविटीज़ बन रही है और गम से ब्लीडिंग हो रही है,
तो साथियों अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क सॉल्युबिलिस। आप मर्क सॉल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके गम्स को भी ठीक करेगी, गम्स की ब्लीडिंग को रोकेगी और 2DK को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों 2DK की आती है कि आपके दांत इतने सड़ गए कि वह गिरने लगे, तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति से निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है प्लेंटैगो। आप प्लेंटैगो का मदर टिंचर 5 बूंद आधे कप पानी में 4 बार, यानी 5 बूंद सुबह, दोपहर, 5 बूंद शाम, 5 बूंद रात, इस तरह आप आधे कप पानी में ले लें। इससे आपका 2DK रुकेगा और आपका जो फॉलिंग ऑफ गम्स है वह भी रुके, आपके जो बचे दांत हैं वो बच जाएंगे। तो आप इसको आजमा सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि दांत बिल्कुल जड़ से सड़ गए हों, बिल्कुल जो रूट्स होती हैं टूथ की वहाँ से सड़ने लगे हों और आपका जो आउटर टीथ हो वो इंटैक्ट हो, बढ़िया हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। आप थूजा 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपके जो अंदरूनी टूथ डीके हुआ है रूट्स में उसको ठीक करके आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। एक और साथियों बहुत अच्छी दवा है यो, या कहूँ एक स्थिति है जिसकी वो दवा है, वो स्थिति यह है कि अचानक बहुत तेज आपका टूथ डीके होने लगा, बहुत फास्ट। तो अगर यह स्थिति है साथियों या कॉमन टूथ डीके है तो उसकी एक बहुत अच्छी कॉमन दवा है एसिड फ्लोरिकम। आप एसिड फ्लोर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको टूथ डीके को रोकने की और कैविटीज़ को ख़त्म करने की नंबर एक दवा में शामिल है। तो आप एसिड फ्लोर को भी अपने इस समस्या को निदान में जोड़ सकते हैं जो कि है टूथ डीके। एक स्थिति साथियों आती है कि टूथ डीके हो रहा है, दांत पीले हो गए और दांत टूटने लगे। तो अगर यह स्थिति हो कि सिंपल दांत टूटने लगे हो, पीले हो के इतना डीके हो गया हो, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिफ्लिनम। आप सिफ्लिनम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपके टूथ डीके को भी ख़त्म करेगी और आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि बहुत बच्चे जो कि मेल न्यूट्रिशन में है, जिनको रिकेट्स की दिक्कत है, उनके टूथ डीके हो रहा है। तो अगर मेल न्यूट्रिटेड बच्चे हैं और उनके टूथ डीके हो रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सेलिसिया। आप सेलिसिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको रिकेट्स की शिकायत हो और जो अंडर डिवेलप्ड और अंडर नरिश्ड हो। तो यह बहुत अच्छी दवा है ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे मरीजों का, ऐसे बच्चों के टूथ डीके को ख़त्म करने के लिए। ये साथियों कुछ दवाएँ थी टूथ डीके की, टूथ कैविटीज़ की। आप इनको आजमा सकते हैं, शायद ये आपको लाभ दे। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे साथियों, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए थी, आजमाइएगा जरूर लेकिन किसी कुशल चिकित्सक की राय लेकर, और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको फायदा हुआ कि नहीं। अगर आपके मन में क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे नंबर पे, फोन नंबर पे, हम कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे सके। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ, अपना आशीर्वाद इतने लंबे वक्त से बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।